हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका साहस अगेन। सो आप लोग ये सोचते होंगे जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ कहीं ना कहीं जाना होता है और ये मतलब कोइंसिडेंटली हो जाता है। अभी अभी हम एक शादी अटेंड करके रिटर्न किए हैं खड़गपुर से, तो अभी मुझे फिर से जाना पड़ रहा है, मतलब मेरे मायके जाने पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर मेरे बड़े नानी जी का डेथ हो गया था। तो उनका वो जो 12 डेज 15 डेज का जो काम होता है, जो मतलब होता है रिचुअल्स वगैरह, वो है, तो वो मैं अटेंड करने जा रही हूँ। मतलब यहाँ पे हमारे घर से किसी को तो जाना पड़ेगा एंड हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं है बिकॉज अभी इतने लॉन्ग छुट्टी से रिटर्न किए हैं, ऑफिस ज्वाइन किए हैं, तो उससे एक दिन बाद फिर से छुट्टी मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं जा रही हूँ अटेंड करने के लिए। तो मैं अभी घर पे रहूँगी 7 डेज एंड होपफुली दीदी एंड डूडू भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ पे, और वो लोग भी जाने वाले हैं घर। तो आई होप हमारा कुछ मतलब वो फंक्शन मतलब वो जो है एक सेरेमनी वो अटेंड हो जाने के बाद हम लोग घर आएंगे रिटर्न। एंड हमारे घर पे आई थिंक दीदी डूडू माँ बाबा भाई जो हम सब तो मिलके एक मतलब आवर टाइम स्पेंड करेंगे एंड होपफुली कुछ प्लान होगा कहीं पे हम घूमने जाएंगे क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है 26 दिसंबर। तो हम लोग एक्चुअली मैं 26 दिसंबर में ही आई थिंक रिटर्न करूँगी क्योंकि उस दिन मंडे है, तो हम लोग एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेंगे। और ऐसे भी भाई का एग्ज़ाम 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैं मतलब वो एग्ज़ाम में बिजी रहेगा, मतलब मैं बोर हो जाऊंगी। इसीलिए मेरा प्लान इस बार है कि उसके बर्थडे के दिन ही हम सब शाम को रिटर्न करेंगे और उसके बर्थडे हम लोग संडे सेलिब्रेट कर लेंगे क्योंकि आज मतलब मंडे में हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंडे पे सब भेज खाते हैं और उसका बर्थडे विदाउट नॉन वेज सेलिब्रेशन करना मतलब मानो वो तो खा जाएगा सबको। सो बहुत सारे प्लान हैं, मतलब आई डोंट नो क्या हो पाएगा, कितना दूर हो पाएगा। और बड़े नानी के घर भी जब जाएंगे वहाँ पे भी मैं कुछ सूट करने के लिए ट्राई करूँगी। वहाँ पे मेरे मतलब मामा जी के फैमिली के सारे सब कोई होंगे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, तो देखते हैं वीडियो हो पाता है कि नहीं क्योंकि उस टाइप के सिचुएशन में, उस टाइप के सेरेमनी में वीडियो कर पाना पॉसिबल होता है नहीं पता, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी। और अभी मैं गई थी पार्लर मेरा हेयर वॉश करवाने के लिए क्योंकि शादी के दिन जो मैं मेकअप ली थी और जो हेयर स्टाइल की थी उसके बाद मेरा मतलब हेयर का एकदम हाल ख़राब हो गया था, तो वो मैं वॉश करने गई थी। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, मतलब मानो फिर से ज़िंदा हो गई हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, मेरे पैकिंग वगैरह भी हो चुका है घर जाने के लिए, कल मॉर्निंग जाऊँगी, फिर कितना सूट कर पाते हैं देखते हैं और आप लोगों को कितना क्या दिखा पाती हूँ वो भी चलिए देखते हैं। सो मेरा ऑटो आ गई है और मैं निकल पड़ी हूँ भुवनेश्वर के लिए, और ऑटो के लिए बहुत मतलब थोड़ा सा वेट करना पड़ा और मुझे कुछ काट लिया सुबह सुबह रेडी होने के वक्त, और ये थोड़ा सा कुछ हो गया है, पता नहीं किसने काट लिया मुझे, मच्छर होगा तो डेंगू हो जाएगा भाई मुझको। तो बाहर का वेदर थोड़ा सा ठीक ठाक है और ये है आज का मेरा लुक। तो मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे साड़ी ही पहनना पड़ेगा आज इसीलिए। तो ये है मेरे सारे नानी के घर के मेंबर्स, मेरे ग्रीन साड़ी में मेरे मम्मी है, मेरे नानी मौसी सब कोई है, यहाँ पे सब कोई नहीं है, आधा मेंबर्स है और भी ज़्यादा मेंबर्स है। तो यहाँ के मेरे नानी के जो साथ का काम था वो चल रहा है, पूजा वगैरह चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब पहुँची जाकर तो तभी आधा हो चुका था ऑलरेडी। तो बाकी चल रहा है काम, सब कोई है, और ये लोग मेरे छोटी छोटी बहन, तो ये लोग अपने ही मज़े में हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, कोई नहीं उनको क्या पता क्या चल रहा है बोल के, तो वो लोग तो एंजॉय करेंगे ही। तो पूजा का काम चल रहा है, दोनों मामा जी मेरे बैठे हैं, बड़े मामा और छोटे मामा, तो वो लोग कर रहे हैं काम नानी के। तो काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारा काम है अभी भी क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ होता है तो इसीलिए टाइम लगता है। और अभी जो बैठे हैं ये चारों है मतलब इनके ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन है, मतलब मेरे नानी जी के ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन है। तो लास्ट फाइनल जो भी है रिचुअल्स ये लोग कर रहे हैं, ये लोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी का जो रिचुअल्स होता है, जो खाना वगैरह लेके बाहर दिया जाता है वो होगा, वो मामा लोग मतलब मामा जी जो है वो लोग करेंगे।
तो वो मुझे तो ठीक से पता नहीं है, क्योंकि हमें मतलब कभी भी दिखाया नहीं जाता क्या होता है क्या नहीं बोल के, और खास करके मुझे तो कभी भी नहीं दिखाया जाता, मुझे हमेशा ये सारी चीज़ से दूर रखते हैं। और अभी हो चुका है रात, रात को सारे मौसी मम्मी सब मिलके रात के डिनर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे रात को एक कीर्तन रखा गया था जो हो रहा है, तो ये लोग आए हैं कर रहे हैं पूजा वगैरह, तो सब कोई है यहाँ पे बैठ के। मतलब बहुत ठंड है बाहर, इसीलिए बहुत कम लोग हैं ठंड के वजह से, तो ये चल रहा है। और अभी ये ख़त्म होने के बाद हम लोग डिनर करके फिर घर लौट जाएंगे। सो कल जो भी काम था, मतलब जो नानी जी के जो भी काम था जिसके लिए मैं आई थी भुवनेश्वर, वो सारे अच्छे से हो गया। एंड मैं मतलब हम लोग रात को रिटर्न किए, बहुत रात को, तो इसीलिए और वीडियो एंड नहीं कर पाई। तो अब को इतना टायर्ड भी हो गई थी, मतलब इतना दूर से कटक से भुवनेश्वर आना, फिर और यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करना। अभी मैं धूप में बैठी हूँ इसीलिए मतलब कभी ऑफ कभी डाउन ऐसे हो रहा है लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे इतना ठंड है, इतना ठंड है घर पे, मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, इतना ठंड है, इसीलिए थोड़ा रो मतलब धूप में आके बैठी हूँ। सो कल सारे काम अच्छे से हो गया, तो मैं बहुत टायर्ड थी, रात में आके ही सो गई। और रात में इतना ठंड था, इतना ठंड था, मानो मुझे तो लगा कि मैं शिमला चली गई हूँ, इतना ठंड था। और सुबह में उठने के बाद ही मैं बस ढूंढ रही थी कब धूप आने वाला है, कब धूप आने वाला है, और मैं बैठूँगी जाके बाहर। तो अभी थोड़ा ओके हूँ, एंड अब मुझे देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़ोर से मतलब ठंड है यहाँ पे, मतलब मेरा फेस का हालत देख के। सो कल भी और एक फंक्शन है जो हमारा होता है, एक दिन नॉन वेज खाते हैं, मतलब फिश खाते हैं, तो वो है कल। तो कल बहुत सारे लोग आने वाले, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे नहीं पता कितने देर, मतलब हमेशा की तरह मैं मतलब क्या है, मैं ज़्यादा कितना देर तक शूट कर पाऊँगी मुझे नहीं पता होता है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स के साथ जब मुलाकात होते हैं वो लोग इतना बातें करते हैं, मतलब इतने लोगों के साथ मुलाकात करना पड़ता है, सबके साथ मतलब सब आके मिलते हैं, बात करते हैं, तो इन बीच वीडियो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी वीडियो करने के लिए। तो आज जो भी जा हुआ था मैंने वीडियो शूट करने के लिए ट्राई किया है, आई होप किया भी है थोड़ा बहुत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहो और क्या क्या वीडियो आ रहा है। सो टाटा, बाय बाय गाइस, एंड एज यूजुअल लव यू ऑल।